हेलो एवरीवन, क्यों आप वाचिंग सीरियल से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब आपको नज़र आने वाले हैं बड़े बड़े चेंजेस। यहां पर नई स्टोरी लाइन से लेकर शो में नए चेहरे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले हमने आपको दी थी अपडेट कि बहुत जल्द शो से होने वाली है टीवी एक्टर शक्ति अरोड़ा की एग्जिट और जल्द ही आपको ईशान के किरदार में कोई नया चेहरा नज़र आ सकता है। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शक्ति अरोड़ा के बाद अब टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस भाविका शर्मा भी इस शो को अलविदा कह सकती हैं। वही भाविका जिन्हें आप सभी के रोल में हमेशा से ही देखना पसंद करते हैं। सोर्सेस की माने तो अब शक्ति अरोड़ा के बाद भाविका ने भी इस शो को अलविदा कहने का फैसला कर दिया है और यहाँ पर भाविका की जगह आपको कोई नया चेहरा देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आप सबके दिमाग में ये होगा कि सभी भी जा रही है, रीवा भी जा रही है और ईशान भी, तो आखिर शो में नई एंट्री किसकी होगी और मेन लीड के बतौर पर भाविका को रिप्लेस कौन करेगा। तो सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि आस्था शर्मा या फिर ऋचा राठौर में से कोई एक एक्ट्रेस लीड रोल में आ सकती है। अभी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन बिल्कुल भी नहीं आई है और आखिर शक्ति अरोड़ा को भी कौन रिप्लेस करेगा इस बात की भी जानकारी अभी नहीं है। सोर्सेस की माने तो सुनने में आ रहा है कि सिद्धार्थ निगम के भाई शक्ति निगम इस शो में एंट्री कर सकते हैं बतौर लीड एक्टर ईशान की जगह और यहां पर रीवा की जगह और शक्ति अरोड़ा के बाद भाविका की जगह आस्था और ऋचा राठौर ले सकती है। अब बहरहाल इस खबर में कितने सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या इन सभी के शो छोड़कर जाने से शो की टीआरपी में फ़र्क आएगा? क्या आप लोग कंफर्टेबल होंगे नए चेहरों के साथ, नई कहानी के साथ? गुम है किसी के प्यार में कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।